हेलो फ्रेंड्स, गणित में हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, त्रिभुज की भुजाएं 9:4 के अनुपात में है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात की गणना कीजिए। तो यह है क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिया हुआ है 9:4, 3:2, 81:16 और 27:8। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली जो वीडियो से मैथ्स वाले वहाँ पे सारी चीज़ें बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इस जगह पर जो है ये समरूप त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह होता है भुजाओं का स्क्वायर का होता है, भुजाओं का जो है वह अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालने के लिए कहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी है। तो भुजा कितना दिया हुआ है, तो 9 और 4 का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले 9/4 कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। तो यही है हमारा, अब जब इसको अनुपात में कहा है तो हम लोग इसको फिर से 18:16 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात था वो होता है जो भुजाओं का जो अनुपात दिया रहता है उसका स्क्वायर कर लेने से ही हम लोगों का इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 मिनट में तय करती है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति आवर में क्या है? ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर प्रति आवर, 3 किलोमीटर प्रति आवर और 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको जो है किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो इससे हम लोगों को क्या निकालना है, इससे हम लोगों को डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर प्रति hr इंटू 7.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 मिनट जो है वो हाफ हो जाएगी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 15 किलोमीटर, ये हो जाता है हमारा 15 किलोमीटर जो कि दूरी हो गया। अब यहाँ पर इसी को कह रहा है कि यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा, यानी कि समान दूरी यानी कि जस्ट इसी दूरी को तय करना है और कितना में करना है, 5 घंटे में तय करना है। तो गति निकलाना है यहाँ पे साइकिल की गति, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइकिल की गति बराबर हो जाएगा, जो गति निकालना है उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोगों को मालूम ही है आप लोगों को भी, दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर दूरी हमारा 15 किलोमीटर है और टाइम है हमारा 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे में तय करना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 किलोमीटर प्रति hr हो जाएगा इसका स्पीड, क्योंकि ये हम लोगों को किलोमीटर प्रति आर में ही निकालने के लिए कहा गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 3 किलोमीटर प्रति hr हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जो है फॉर्मूला उसको थोड़ा सा याद रखना है, जो कि साधारण सिंपल ही फॉर्मूला है, तो आप इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आयत का बात कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक आयत हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें जो है विकर्ण का भी कह रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग ये विकर्ण है, इसका नाम दे दिए A, B, C और D। इसमें जो है एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं हम लोग इसी को 8 ले लेते हैं और विकर्ण जो है वह 17 है, यानी कि 17 हो गया। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये विकर्ण हो गया, तो ये हमारा लंब हो गया। तो इसी को हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, यानी कि BC, ये जो BC है एक भुजा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर लेते हैं और इसको हम लोग अंडर रूट कर देते हैं इस प्रकार से, तो हमारा जो है ये BC निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस 17 का जो है स्क्वायर हो जाता है हमारा 289 माइनस ये अपना हो जाएगा 64। अब इसको हम लोग जैसे ही घटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 225 और ये हमारा रूट में ही है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकल गया हमारा एक भुजा की लंबाई,
तो यहाँ पर हमारा 15 सेंटीमीटर निकल गया है। अब देखिए ये हमारा चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, यानी कि ये जो 15 है वो हमारा चौड़ाई हो गया है और ये जो है 8 ये हमारा लंबाई हो गया है। तो ये जब मैंने इसको 8 माना तब, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 × 15, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो है हमारा आयत तो है ये ए बी सी और डी, मान लेते हैं ये है और ये विकर्ण है। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 माना था ये ए बी को, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 इसको मानता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि इसी से ये निकल जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड लग रहा है, क्यों, क्योंकि लंबाई जो होती है वह चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो ये इस प्रकार से बन जाएगी, यानी कि ये भी आपका है और ये भी आपका है, लेकिन अगर अच्छे से देखा जाएगा तो जो लंबाई होती है वह चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो यानी कि आप इस प्रकार से इसको बना लेंगे, ये भी सही है, लेकिन आपको इस प्रकार से ही बनाना है क्योंकि लंबाई जो होती है वो बड़ी होती है चौड़ाई से। तो आप इसका आंसर जो देख सकते हैं वो 120, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही आएगा जो आंसर है वो, लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर देखा जाएगा तो वो इस प्रकार का फोटो बनेगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आप ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। यह है सर्कल का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं हमारा यह एक सर्कल है और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि एरिया दिया हुआ है, ये एरिया जो दिया हुआ वह है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों को पता है कि ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वह होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ हम लोगों का 616। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को निकालते हैं सबसे पहले, तो ये 616 हो जाएगा। और ये जो पाई होता है यानी कि पाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 22/7 लेते हैं तो ये इसको चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये जो हो गया इस प्रकार से, अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 इंटू ये 7 चल जाएगा और ये 22 आएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 2 से काटते हैं तो 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 से काटने तो ये 5 बार में, उसके बाद में फिर यहाँ पे 6 बार में हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से काट लेते हैं, इसको 11 से काटने से, सॉरी यहाँ पे 11 से काटने से 2 बार में आ जाएगा ना, तो ये हो गया। अब इसके साथ में हम लोग इसको काटते हैं तो ये हो जाता है 28, ये तो नहीं हो जाएगा क्योंकि 11 से मैंने काटा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 28 बच गया और ये 7 हो गया, तो यहाँ पे 28 × 7 हो गया ये आर स्क्वायर का वैल्यू ये। अब यहाँ से हम लोग आर को निकालते हैं तो आर बराबर हो जाएगा इसका रूट 28 × 7। अब हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं × 7, ये हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ से हम लोगों का 7 दिख रहा है और ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2, तो यहाँ से हम लोग का 2 निकल जाएगा एक ही बार में, मैं यहाँ पे डाट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ये 14 आ गया आर का वैल्यू, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या निकालने के लिए कहा था, तो ये हमारा त्रिज्या ही निकालने के लिए कहा था, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखेंगे कि कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 14 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर होता है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, तो इसी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु हैं, डी ई बी सी के समांतर है, यदि ए डी डी बी और ए ई की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो ए सी की लंबाई क्या होगी, यह क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का कह रहा है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं त्रिभुज है और यहाँ पे है इसको ए बी और सी नाम इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ पे जो है डी और ई ए बी और ए सी पर हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये डी है और ये हमारा ई है, तो इसको भी यहाँ पे, और डी ई जो है बी सी के समांतर है, डी ई जो है बी सी के समांतर है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला भी लेंगे। अब और यहाँ पे अब दिया हुआ है लंबाई ए डी जो है वो 8 है, ए डी यानी कि ये 8 सेंटीमीटर का है, डी बी जो है यहाँ डी बी के बारे में बता रहे, तो ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे है, और ए ई की लंबाई जो है ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, ये सब सारे सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें ए सी का निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है लंबाई निकालना है, तो इसको क्या करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या है, ए डी को ए बी के साथ में देखते हैं, उसी प्रकार से देखेंगे ए ई को एक ही बार में ए सी से देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी इसको निकालने में। तो यहाँ पे देखते हैं ए डी डिवाइडेड बाई
एक ही बार में ए से बी देखते हैं, अब यहाँ से ए से बी और ये बराबर हो जाता है, ये हमारा समरूप त्रिभुज बन जाता है। ए डी ई एक समरूप ए बी की ए बी सी के साथ में है, तो यहाँ से ए और ई को देखते हैं इधर में, तो ए से ई और टोटल में देखेंगे ए से सी, ए से सी देखेंगे और ये हमारा ए से सी ही निकालने के लिए कहा है। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है हमारा 4, लेकिन इसको हम लोग को साथ में लेना है, तो 8 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। उसी प्रकार से ए ई को लेंगे, यहाँ पर दिया है तो ये है 12 और ए से सी है तो ये तो ए से सी ही रहेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं ए सी को निकालना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 × 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4 से काटते हैं इसको तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर इससे काटते हैं ये तो 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर बी में जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है समरूप त्रिभुज है तो इसी का इसको प्रॉपर्टीज है, तो यहीं से हम लोग इसको जानेंगे, इस प्रकार से इसको सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यदि डी ई बी सी के समांतर है और त्रिभुज ए बी सी की अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है और अनुपात ए डी अनुपात डी बी बराबर है 5:13, इसी की लंबाई 26 सेंटीमीटर, तो फिर ए ई की लंबाई ज्ञात करना है सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह त्रिभुज का बात कर रहा है, तो त्रिभुज का बात करें तो हम सबसे पहले त्रिभुज को ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, मान लेते हैं इसको हम लोग बना लिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर है डी ई जो है बी सी के समांतर है, डी ई डी और ई होगा जो कि बी सी के समांतर होगा, ये इसको हम लोग मिला दिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है अनुपात दिया हुआ है ए डी और डी बी का, यानी कि ए डी और डी बी का अनुपात दिया हुआ है जो कि 5 और ये 13 दिया हुआ है, और इसी की लंबाई दिया हुआ है यहाँ से हमारा 26 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे ए ई की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है, जो कि पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, वो क्वेश्चन भी था और ये क्वेश्चन भी लगभग समान ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैल्यूज को आगे पीछे करके बनाना है। तो ये जो है समरूप त्रिभुज बन जाता है, ये और एक ये दोनों समरूप त्रिभुज बन जाते हैं, तो हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट लेते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे ए डी डिवाइडेड बाई डी बी हो जाएगा और हम लोग ए ई निकालना है तो हमारा यहाँ पे ए ई लिख लेंगे और यहाँ से है डी बी को हम लोग लिए हैं क्योंकि एक बार ऊपर वाला भाग फिर एक बार नीचे वाला भाग लिए, उसी प्रकार से एक बार ऊपर वाला भाग और एक बार नीचे वाला भाग, लेकिन पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक ऊपर वाला भाग और एक बार टोटल को लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग ही लेना है, तो ए ई डिवाइड बाई ई सी लिख लेंगे यहाँ पे ई सी। अब सारे वैल्यू रख लेंगे, 5/13 बराबर ए ई बट्टा 26 लिख लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे ए ई इक्वल टू हो जाएगा 5 × 26 डिवाइडेड बाई 13, ये हम 2 से काट लेंगे और ये 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप इसको सही उत्तर कर सकते हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने ए डी के साथ में ए बी को लिया था, यानी कि पहले ऊपर वाला फिर टोटल को लिया था, लेकिन अभी दोनों को अलग अलग लिया हूँ, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग ये जो समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है उसमें इसी बना सकते हैं, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, दो रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति आर और 84 किलोमीटर प्रति आर की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर और 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, जो कि आपको सेकेंड में निकालना है। 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, 90 सेकेंड और 120 सेकेंड आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये रेलगाड़ी से मैंने आप लोगों को पिछली जो वीडियोस हैं मैथ्स वाले उसमें सारी चीज़ें बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है दो रेलगाड़ी और कहाँ, तो समान दिशा में चल रही है, तो मान लेते हैं यह एक रेलगाड़ी है, ये ट्रेन वन है और एक है ट्रेन टू, इसी को तो ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि जा रही है, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है, एक जो है ट्रेन वन है मान लेते इसी का हम लोग स्पीड देख रहे हैं 42 किलोमीटर प्रति hr है और ये है 84 किलोमीटर hr है और ये समान दिशा में जा रही है। तो जब भी हम लोग समान डायरेक्शन में जाते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है, वो हो जाती है माइनस, यानी कि घट जाती है। तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं, तो क्या है इसको घटा लेंगे, जो स्पीड है ज़्यादा उससे हम लोग कम वाले को घटा लेंगे, यानी कि 84 − 42 कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से हम लोगों को निकल जा रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा प्रति घंटा में कितने किलोमीटर है ये है, जबकि हम लोग यहाँ सेकंड में निकालना है
और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ वो भी आप अपना जो है यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, तो हम लोग इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग जब चेंज करते हैं तो 42 इंटू हमारा हो जाता है 5/18, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। और जैसे हम लोग इसको काटेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका जो है रिलेटिव स्पीड जो कि हम लोग मीटर पर सेकेंड में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस अब देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा स्पीड वाला है वो कम स्पीड वाले को पार करेगा। तो ये तो ट्रेन वन की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 320 मीटर है, और ये जो है 380 मीटर है ये है। तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, तो डिस्टेंस या तो फिर हम लोग इसको जो है दूरी भी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को ही पार करेंगी, तो ये हमारा जुट जाएगा 320 × 380, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 700 मीटर, यही हो गया एक दूसरा जो ट्रेन है वो एक दूसरे को पार करेंगी। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस निकल गया है और यहाँ पे हमारा जो है ये स्पीड निकल गया है, तो इसी को टाइम निकालना है। तो समय बराबर जो होता है हमारा दूरी बट्टा चाल होता है, आप लोगों को भी याद होगा ही। तो दूरी हो गया 700 मीटर और ये जो है स्पीड वो है हमारा 35/3, ये हमारा टोटल सेकेंड में निकल जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 700 × 3/35, तो ये हम 35 × 2 = 70, एक जीरो हो जाएगा, और ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये जो है 60 सेकेंड, ये 60 सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए है वो 60 सेकेंड में है। तो आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमारा घट जाएगा, क्योंकि ये समान डायरेक्शन में जा रही है। और डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता ही है, मैंने आप लोगों को रेलगाड़ी वाले लिस्ट में आप लोगों को सारी चीज़ बताया, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वह 60 सेकेंड है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसी प्रकार से बना लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी वृत्त की जीवा है और वृत्त का केंद्र ओ है। यदि ए बी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ओ एन जो है वह 2√11 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा वृत्त यानी कि सर्कल का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं हमारा यह एक सर्कल हो गया जिसका केंद्र है ओ, और ये जो है ए बी वृत्त की जीवा है, तो ये है हमारा ए बी एक जीवा। मैंने आप लोगों को सर्कल वाले वीडियो में सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जा करके भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा ए बी जीवा जिसकी जो है लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये टोटल जो है 20 सेंटीमीटर है। ओ एन ये है 2√11 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ए बी में, तो ये हमारा हो जाता है एन पॉइंट, ये लंब डाल देते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये जो है ए बी वो दो इक्वल डिवाइड में बढ़ जाता है, यानी कि 20 है तो इधर में 10 हो जाएगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे और ऐसे आपका प्रॉपर्टीज में सारी चीज़ें बताया हुआ है। अब यहाँ से ए ओ को फाइंड करना है क्योंकि त्रिज्या निकालना है। आप ए ओ भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर ओ बी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हम लोग ओ ए को ही ज्ञात करते हैं, ओ ए को ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, या तो फिर इसको ओ बी बराबर ओ ए बराबर व्हाट ये है, और यही हमारा त्रिज्या यानी कि आर भी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाता है लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण यानी कि विकर्ण। तो त्रिभुज ओ एन ए में हम लोग इधर ही देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ओ एन कितना है, तो ओ एन के बराबर हमारा दिया हुआ है 2√11, ये देख सकते हैं, तो 2√11 का स्क्वायर कर लेंगे, और ए एन है हमारा 10 निकल गया क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद में इक्वल पार्ट में बंट गया है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि टोटल 44 हो जाएगा, प्लस ये 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए ओ का स्क्वायर बराबर 144 हो गया, तो अब हम लोग रूट को इसको मैं इधर से बना देता हूँ, तो ए ओ बराबर हो जाएगा 144 का स्क्वायर का जो था उसको पार करने के बाद ये रूट बन गया है, तो ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, तो ए ओ इक्वल टू निकल गया 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं
AO एक त्रिज्या था या तो फिर OB हमारा एक त्रिज्या था इस सर्कल में, तो ये त्रिज्या का ही बात कर रहा है यानी R का ही बात कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि R बराबर AO बराबर BO या OB कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो B है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सर्कल से जो है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की गणना करें और यह सेंटीमीटर में निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर। यह है क्वेश्चन का ऑप्शन। तो ये अर्धवृत्त कह रहा है, तो मान लेते हैं हमारा जो एक वृत्त है यह है ओ केंद्र वाला वृत्त, तो इसी का अर्धवृत्त बनाना है यानी हम लोग इसको इस प्रकार से अर्धवृत्त मान लेते बन गया है, ये हमारा अर्धवृत्त बन गया और ये हमारा आर हो जाता है, तो यहाँ भी आर हो गया और यहाँ भी आर हो गया। तो ये हमारा एक हिसाब से कहेंगे तो ये हमारा व्यास भी है क्योंकि व्यास बराबर होता है 2R, तो यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ भी आर है, ये है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है यानी कि इसका दिया हुआ। जानते हैं हम लोग कि जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अर्धवृत्त का कह रहा है तो यहाँ पे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया है 1925। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1925 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने देंगे। अब ये आर स्क्वायर को हम लोग इसी प्रकार रख देते हैं 1925 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू। तो ये हम लोग इसको काट लेते हैं तो ये 11 से हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं 11 से, तो 11 से 11 के 11 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा इधर, फिर यहाँ पे 7 से देना है, फिर यहाँ पे बच रहा है 5, तो हम लोग इसको 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175 इंटू 7, ये हो गया। अब इसको जैसे ही हम लोग रूट में डालते हैं यानी कि रूट में डालते हैं 175 इंटू 7, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारा 35, ये आर बराबर आ जाएगा, ये 35 सेंटीमीटर, ये हो गया आर का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। वो परिमाप बराबर जानते हैं, ये जो है अर्धवृत्त का परिमाप और ये जो है दोनों आर का वैल्यू, ये भी हम लोगों का एड हो जाएगा। तो इसका जो है फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस 2R, ये हो जाएगा। आप लोग पिछली वीडियोज में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो पाई बराबर मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ से R को कॉमन निकालते हैं तो ये पाई हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब R बराबर कितना दिया हुआ 35, तो ये 35 का वैल्यू रख लेंगे, पाई बराबर 22/7 प्लस 2, ये कर लेंगे। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 35 इंटू 36 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये हम इसको काट लेते हैं 5 से, इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 180 सेंटीमीटर निकल करके आता है। तो ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा इस वाले अर्धवृत्त का। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है साथ साथ उसका जो परिमाप होता है वो पाई आर प्लस 2R होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई आर क्यों आया ये भी बता देता हूँ। तो जो है वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, तो उसी प्रकार से ये वृत्त का हो गया। तो अब अर्धवृत्त का करना है, अर्धवृत्त का तो इसी का तो आधा करना है यानी कि 2πr का ही आधा करना है, यानी इसका बटा 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये हमारा πr निकल जाएगा। तो ये πr उसी प्रकार से आया है। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख सकते हैं डी है 180 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग सॉल्व करने के बाद भी इतना निकाल लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग जो है सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूलों को भी याद रखेंगे।